लेक्चर नंबर 16 है इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। इसमें ओवरऑल हमारे तीन पार्ट बनेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। उसके बाद फिर आपका संडे को एज यूजुअल आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यूक्लिडियन स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस के बारे में आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट और बाइनरी फॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। नॉर्म और लेंथ ऑफ क्या होता है उसके बारे में बताया गया। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बताया जाएगा। देन चार्ज इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में बात की जाएगी। देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किस प्रकार से इवेल्युएट करते बताएंगे। देन उसके बाद डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बताएंगे। देन ऑर्थोगोनलिटी, देन पाइथागोरस थ्योरम और लॉ ऑफ पाइथागोरस, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, और एज यूजुअल हमारे वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम हमेशा हर क्लास में हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम जो चल रहे हैं वो वहाँ कहाँ पर चल रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस की बात करेंगे, और सबसे लास्ट हमारा जो थर्ड लेक्चर जो होगा वो आपका जॉर्डन फॉर्म्स के ऊपर होगा कि जॉर्डन फॉर्म किसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसिस के बारे में। देखिए एज यूजली हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर फॉर्म के बारे में। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमें दो वेक्टर्स आपको दे रहेंगे। तो बेसिकली अभी जो हमारी डेफिनेशन जो है वो मैट्राइसिस पर बेस्ड है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है कैपिटल एक्स, जो जिसमें हमारे पास एन एलिमेंट दिए हुए हैं, और कैपिटल वाई दी हुई है वाई वन वाई टू वाई एन। तो जो इसका इनर प्रोडक्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, और एक्स कॉमा वाई का मीनिंग जो होता है वो हमारे पास होता है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मीनिंग हमने क्या बताया था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांजुगेट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि वो जो मैट्रिक्स होती है उसको पहले हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज, तो वो हमारा कहलाता है ट्रांजुगेट। तो अगर इस प्रकार से अगर हम लेते हैं तो एक्स हमारे पास एज इट इज इसी प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन जब हम वाई की बात करेंगे तो वाई अभी हमारे पास जो रो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, तो वो कुछ हमारे पास इस प्रकार से लिखी जाएगी। अगर हम इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वन का वाई वन कॉन्जुगेट से करेंगे, एक्स टू का वाई टू कॉन्जुगेट से करेंगे, और एक्स एन का वाई एन कॉन्जुगेट से करेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स वन वाई वन कॉन्जुगेट, एक्स टू वाई टू कॉन्जुगेट, अप टू एक्स एन वाई एन कॉन्जुगेट। तो ये हमने आपको बताया कि इनर प्रोडक्ट अगर हमें दो मैट्रिक्स का करना है तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस किसे कहते हैं। तो देखिए एक नॉर्मल से मीनिंग हमारे पास है कि जिस भी मैट्रिक्स, जिस भी वेक्टर स्पेस पर हमारे पास ये जो एलिमेंट हमारे ऑपरेट करेंगे, वो जो वो वेक्टर स्पेस होगा वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस के काम में रखा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपरली कि इफ बी ऑफ एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ, हो सकता है कि वो फील्ड आपके रियल नंबर की हो सकता है कि फील्ड वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हो, एंड इनर प्रोडक्ट इज ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम बी क्रॉस बी टू एफ। ये एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा इनर प्रोडक्ट जो होता है कि स्केलर वैल्यूज होती है जो कि बी क्रॉस बी से एफ की तरफ जाता है। बी क्रॉस बी से एफ की तरफ जाने का मतलब क्या होता है कि बी क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट हमारे पास अल्फा बीटा टाइप के होंगे, एक्स वाई टाइप के होंगे, वो जो एलिमेंट होगा वो आउटपुट जो निकालेगा वो आपके पास होगा फील्ड के अंदर। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होती है। नंबर वन, नॉन नेगेटिविटी, अल्फा अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन नंबर टू, अल्फा अल्फा इक्वल टू वन, नहीं नहीं वन नहीं होगा, दिस इज जीरो, है ना। तो अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इक्वल टू जीरो वैक्टर। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी अल्फा बीटा इक्वल, अल्फा बीटा को अगर हम चेंज करते हैं बीटा अल्फा, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो उसके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ठीक है। देन ए अल्फा बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा देन बी बीटा गामा, इट इज कॉल्ड द लीनियरिटी, इसको बोलते हैं लीनियरिटी, जो हमने बाइलिनियर फॉर्म में आपको सिखाई थी। तो अगर हमारे पास चारों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होती है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस की कैटेगरी में आएगा। तो इनर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चार प्रॉपर्टी ओवरऑल फुलफिल होना चाहिए। नंबर वन कौन सी होना चाहिए, आपके नॉन जीरो वाली कंडीशन है कि अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा हमारे पास होगा अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। देन फल प्रॉपर्टी होती है अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट। देन ए अल्फा, फोर्थ प्रॉपर्टी ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा देन बी बीटा गामा, इसको हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारे पास होता है यूटिलिटी निष्पत्ति। देखिए अभी हमने जो इनर प्रोडक्ट निष्पत्ति बताया, हमने बताया कि वहां पर एक जनरल प्रॉपर्टी की बेसिस बताया, यानी कि हमने बताया कि वहां पर फील्ड जो होगी वो रियल नंबर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। लेकिन अगर वो फील्ड हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आती है तो वो जो पर्टिकुलर आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो आपका यूक्लिडियन स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इफ वी ऑफ एफ इज इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड डिफाइंड ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर देन इट इज कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस, तो उसको हम यूक्लिडियन स्पेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटरी स्पेस। यूनिटरी स्पेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बी ऑफ एफ अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अगर वो फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आती है तो पर्टिकुलरली उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम यहाँ पर आपका यूनिटरी स्पेस के नाम से जानते हैं। तो यूनिटरी स्पेस क्या हुआ कि व्हेन द इनर व्हेन द वेक्टर स्पेस इन विच द फील्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉल्ड द यूनिटरी स्पेस, अदरवाइज द फील्ड इज अ रियल नंबर देन इट्स कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रोडक्ट कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। इफ वी एन ऑफ एफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल, देखिए अब जो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस जो है इसको हमने यहाँ पर क्या अपने पास जो एलिमेंट जो है अपने पास एन टपल्स की फॉर्म में ले लिया, आप ट्रिपलेट की फॉर्म में ले सकते हो, तो वहां पर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ वी एन एफ ऑफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि अल्फा जो है उसमें हमारे पास एन एलिमेंट है ए वन ए टू ए एन और बीटा हमारे पास जो है बी वन बी टू बी एन है, देन हमारे पास जो दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो बी एन ऑफ एफ से आए हुए हैं, तब हमारे पास जो मैपिंग है बी क्रॉस बी टू एफ जो कि हमारे पास है अल्फा बीटा इक्वल टू ए वन बी वन कॉन्जुगेट देन ए टू बी टू कॉन्जुगेट देन ए एन बी एन कॉन्जुगेट जो हमने भी सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा जो हमारे पास एलिमेंट अल्फा बीटा का अगर हम कॉमा की फॉर्म में ले रहे हैं इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली हम उन दोनों का हम आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इन द बिहाफ ऑफ द रोज एंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग में। तो ऐसे जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होते हैं ऐसे जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो हमारे पास एन टपल की फॉर्म में डिफाइंड किए जाते हैं। ओके, इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी एन ऑफ एफ कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, राइट। अब बात करें बायलीनियर फॉर्म और ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस, हमने आपको अभी तक हमने जो बायलीनियर फॉर्म जो हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो पढ़ी हमने प्रीवियस क्लासेस में, अब उसी को हम यहाँ पर बिहाफ में लेके आ रहे हैं कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर हमारे पास आती है तो उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि एन इनर प्रोडक्ट और ए वेक्टर स्पेस वी एन ऑफ आर, ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें बायलीनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो वहां पर हमेशा जो फील्ड जो होगी वो रियल नंबर की होगी। अगर वहां पे फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है तो वहां पे हर्मिशियन स्पेस के बारे में बात की जाती है, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर जब बायलीनियर की फॉर्म की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारी फील्ड जो होगी वो रियल नंबर की फॉर्म में ही होगी। तो वेयर वी एन ऑफ आर इज सेट टू द बायलीनियर फॉर्म इफ नंबर वन ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा देन बी बीटा गामा देन गामा ए अल्फा प्लस बी बीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा स्केलर अगर यहाँ पर आता है तो वो स्केलर जब बाहर निकलेगा तो वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी कि गामा को अगर ए अल्फा के साथ लिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए कॉन्जुगेट गामा अल्फा देन बी कॉन्जुगेट गामा बीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर ए बी जो है फील्ड के अंदर एलिमेंट है। ओके, और अल्फा बीटा गामा हमारे पास वी के अंदर। अच्छा एक बात और है, क्योंकि हमारे पास फील्ड जो है जो फील्ड हमारे पास जो है रियल नंबर की है तो यहाँ पर हमें ये ए कॉन्जुगेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये वापस हमारे पास ए की फॉर्म में और ये हमारे पास बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पॉइंट क्लियर है वाला, पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। नॉर्म किसे कहते हैं, नॉर्मली अगर हमारे पास जो अल्फा बीटा का जो हमने कॉम्बिनेशन लिया था अगर वो अल्फा बीटा बना होकर अगर वो अल्फा अल्फा की फॉर्म में चले जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि वो नॉर्म कहलाता है, यानी कि अगर हम ये कहें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर अल्फा इज डोनेटेड बाय द नॉर्म अल्फा, इसको रीड क्या करते हैं हम, नॉर्म अल्फा, नॉर्म अल्फा।
एंड इट इज डिफाइंड एज नॉर्म अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा, ओके अंडर रूट अल्फा अल्फा, और इसी का इधर मैं अगर स्क्वायर करके लिख देता हूं तो ये मेरे पास लिखा आएगा नॉर्म अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अल्फा। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास जो नॉर्म अल्फा स्क्वायर जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में ही होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास स्क्वायर वैल्यू है, अगर स्क्वायर वैल्यू तो हमेशा वो पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, यहां पर हम इसे लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही कही जाती है। पॉइंट क्लियर? तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन एन एनर प्रोडक्ट स्पेस बी थ्री ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर देन अल्फा इक्वल टू वन टू टू, देन व्हाट इज अ नॉर्म अल्फा? तो नॉर्म अल्फा का मान क्या होगा, क्या होना चाहिए नॉर्म अल्फा का मान? आपके पास ऑप्शन है 9, 3, 1 और 2। नॉर्म अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर होगी? सर नाइन सर क्वेश्चन फिर से बोल लीजिए। क्वेश्चन सामने है ना बेटा आपके, नॉर्म अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर होगी? वन टू और जो थ्री है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है क्या? आप बताओ क्या करना चाहिए हमें भाई? अभी मैंने क्या लिखा, अल्फा बीटा का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? अल्फा बीटा अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या बताया था? अल्फा और बीटा के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मेरे पास अगर अल्फा अल्फा है तो मैं क्या लिखूंगा, 1.1, 2.2, क्लियर आवाज नहीं आ रही। 2.2, तो कितना मेरे पास आएगा, 9 आएगा। 9 का अगर मैं रूट लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, थ्री 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 3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 3। ठीक है, समझ में आया? यस सर ओके, आगे यस बढ़ते हैं। सर यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या है? अ वेक्टर अल्फा इन एन एनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ इज कॉल्ड इन यूनिट वेक्टर इफ नॉर्म अल्फा इक्वल टू बिना। अगर हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका नॉर्म अल्फा की वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर इन एनर प्रोडक्ट स्पेस बी थ्री ऑफ आर। इनमें से बताओ कि कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो यूनिट वेक्टर की कंडीशन को रखता है, पहला दूसरा तीसरा, ये इनमें से कोई भी नहीं। क्या एक ही लेंथ बना रही है, क्या एक ही लेंथ बना रही है, 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 1। यस दूसरे की लेंथ बना रही है 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तीसरे की लेंथ बना रही है 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 1। सर यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, राइट? देन यस प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन, अगर ए अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो अगर हम ए को बाहर निकालना चाहते तो अल्फा बीटा हमारे पास रहेगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर हमारे पास अल्फा ए बीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर हम ए को बाहर निकालेंगे तो कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फील्ड के बारे में हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पर हमेशा उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लेके चलते हैं। अगर फील्ड अगर हमें रियल नंबर दे देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो ए कॉन्जुगेट है वो हमारे पास ए में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, नंबर यस थर्ड, अगर ए अल्फा माइनस बी बीटा कॉमा गामा है तो ए अल्फा का अल्फा गामा माइनस बी बीटा गामा के बराबर होगा। नंबर फोर्थ, अगर अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा है तो हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर ए को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएगा, यानी कि ए कॉन्जुगेट अल्फा बीटा देन हमारे पास बी कॉन्जुगेट अल्फा गामा। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अल्फा ए बीटा माइनस बी गामा है तो ए कॉन्जुगेट अल्फा बीटा माइनस बी कॉन्जुगेट अल्फा गामा। अगर नॉर्म अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास ऐसी कंडीशन, नॉर्म अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो है तो वो अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर के बराबर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल्ड लेटर जो है वो शो कर रहे हैं जीरो वेक्टर को। अगर नॉर्म ए अल्फा है तो हमारे पास जो ए जो है, क्योंकि वो एक एलिमेंट है यानी कि एक नंबर है, तो उस पर क्या होगा, वो मॉड लग जाएगा। ठीक है, और अल्फा आपका अलग हो जाएगा, नॉर्म नॉर्म अल्फा के फॉर्म में वो लिखा जाएगा। अब आपकी आती है नेक्स्ट, स्वार्ज इनिक्वलिटी। स्वार्ज इनिक्वलिटी हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास मॉड अल्फा बीटा है तो वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म अल्फा डॉट नॉर्म बीटा के,
ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इसका बहुत यूज होना है शॉर्ट इनइक्वलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है इन जनरल, बता सकते हैं आप? नॉर्मा अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्मा अल्फा प्लस नॉर्मा बीटा। नॉर्मल बेटा, ये तो हमने बता दिया इन द बिहाफ ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। मुझे आप बताइए ट्रायंगल की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? सर सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड करेक्ट, और लार्जेस्ट साइड। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास उसी फॉर्म में हमारे को देखना है कि इफ अल्फा बीटा आर एनी टू वेक्टर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ, देन नॉर्म अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा डॉट नॉर्म बीटा होगा। तो यहाँ पे मैं इसका प्रूफ भी आपको बता रहा हूँ कि नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के बराबर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेते हैं। तो नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास लिखा है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पर एलिमेंट को अलग अलग करेंगे, यानी कि एक बार अल्फा को लेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ, एक बार लेंगे हम बीटा को अल्फा प्लस बीटा के साथ, कुछ इस प्रकार से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस अल्फा को इस अल्फा के साथ देंगे, इस अल्फा को इस बीटा के साथ देंगे, देन इस बीटा को अल्फा के साथ और इस बीटा को बीटा के साथ, किस प्रकार से लेंगे? अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा, कुछ इस प्रकार से। राइट, तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसको ले सकते हैं नॉर्म अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा को ले सकते हैं नॉर्म बीटा स्क्वायर। राइट, तो हमने यहाँ पर बीटा अल्फा को लिख दिया अल्फा बीटा का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर जेड को जेड कॉन्जुगेट के साथ अगर ऐड करते हैं तो वो टू रियल ऑफ जेड कहलाता है। इट इज ट्रू, अगर मैं जेड को जेड कॉन्जुगेट के साथ अगर ऐड करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं उसे टू रियल ऑफ जेड? ठीक सर। है ना, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट को हम क्या ले सकते हैं? टू रियल ऑफ अल्फा बीटा। ओके, अभी हमने पीछे शॉर्ट इनइक्वलिटी के अंदर पढ़ा कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास रियल की फॉर्म में लिख रहे हैं कि मॉडल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, जो कि हमारे पास होगी नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस टू नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, और ये तीनों चीज मिलकर हमारे पास बना देंगी स्क्वायर का फॉर्म, यानी कि नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास होगा नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा के इक्वल कहा जाएगा। सही है, नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होगा यस वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म अल्फा और प्लस नॉर्म बीटा के। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉन लीनियर स्पेस और नॉन वेक्टर स्पेस। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? केवल हमने पढ़ा अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्म, यानी कि हमने पढ़ा लेंथ। अब हम बात करें नॉन लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर मेरे पास बी ऑफ एफ मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी ऑफ एफ इज सेट टू बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इफ एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन बी सच दैट। अब इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, देन हमारे पास दूसरा नॉर्म ए अल्फा इक्वल टू नॉर्म मॉड ए इंटू नॉर्म अल्फा, देन उसके बाद थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर फुलफिल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको बोला जाता है नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस या नॉर्म लीनियर स्पेस। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। यस चले, अब एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर अगर हम बात करें, अगर जनरल अगर ज्योमेट्री के अंदर बात करेंगे तो जनरली हम अगर हमें दिनी में दो अगर मेरे पास कोई भी दो अगर मेरे पास एलिमेंट दिए हुए हैं उनके बीच का अगर मुझे अगर एंगल निकालना तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? मान लो अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना तो कैसे निकालते हैं?
दोनों लाइन के जो पॉइंट्स रहते हैं, अगर मेरे पास L1 L2 दो लाइन दी है तो मैं इसका कैसे निकालूंगा इनके बीच का एंगल? cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा पान नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। यदि अल्फा बीटा दो अगर यहां पर अगर हम यहां पर लाइन की फॉर्म में अगर बात करते हैं तो L1 डॉट L2 अपॉन ऑफ नॉर्म मॉड L1 मॉड L2 सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास वेक्टर अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में दिए हुए हैं यानी कि अल्फा बीटा की फॉर्म में दिए हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो इस प्रकार से। अगर हमें किसी में दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ v of f is an inner product space over the field of real number alpha equal to 100 and beta equal to 010 then angle between the vector alpha and beta is, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? क्या होगा मेरे पास cos theta की वैल्यू कितने के बराबर होगी? यहां पर अगर मैं ऊपर निकालू तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई करूं 0 देन 0 देन 0 डिवाइड में मेरे पास कितना आएगा? दिस इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 1 ठीक है, फिर अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 यानी कि 0 cos थीटा इक्वल टू 0 का तो थीटा कितने की वैल्यू होगी? 90 के बराबर cos 90 ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा? बी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर हमें किसी भी इनर प्रोडक्ट में अगर डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो वो डिस्टेंस किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? तो देखिए अगर द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा इज अ नॉर्म स्पेस बी ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय डी ऑफ अल्फा बीटा एंड इट इज डिफाइंड एज डी ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा माइनस बीटा। अगर हमें किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालने को कहा जाता है इसका मतलब है कि हमें उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस का नॉर्म निकालना होगा। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टीज यस। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर डी अल्फा बीटा इक्वल टू अगर जीरो है यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस अगर जीरो है इसका मतलब है कि अल्फा हमारे पास बीटा के बराबर कहा जाएगा, ऐसा तभी हो सकता है। नंबर टू, डी अल्फा बीटा की वैल्यू होती है डी बीटा अल्फा के, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा निकालो या डिस्टेंस बिटवीन बीटा अल्फा निकालो दोनों की वैल्यू सेम होगी। डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू डी अल्फा गामा देन डी गामा अल्फा गामा बीटा इज कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ठीक है। नंबर फोर, अगर डी अल्फा बीटा जो होता है डी अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, ये चार प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस की। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ अगर परपेंडिकुलर है यानी कि उनका जो हमारे पास पेयर की जो वैल्यू आ रही है अगर वो जीरो के बराबर आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल हैं। क्या है वो? ऑर्थोगोनल हैं। तो लेट अल्फा बीटा एनी टू वेक्टर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ देन अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू बीटा इफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो राइट एंड इट इज नोटेड बाय द अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ऑर्थोगोनल टू ए सेट। अब अगर हमारे पास किसी भी अगर एक अल्फा को कि नहीं किसी भी अगर एक एलिमेंट वेक्टर को अगर पूरे सेट के साथ अगर मुझे परपेंडिकुलर बताना है तो इसका मतलब ये कि वो जो वेक्टर हमारे पास अल्फा होगा वो पूरे वेक्टर के सेट के साथ परपेंडिकुलर होगा। पूरे वेक्टर के सेट के साथ परपेंडिकुलर होगा मतलब कि मान लो कि अगर हम ये आपसे बोले कि एस मेरे पास कोई भी एक सेट है ठीक है सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ का और अल्फा मेरे पास कोई एलिमेंट है बी के साथ देन अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू एस, एस अल्फा जो है ऑर्थोगोनल है सेट एस के साथ इसका मतलब कि देन देयर एग्जिस्ट बीटा देन देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू एस सच दैट ए कॉमा बीटा इक्वल टू जीरो इस तरीके से ठीक है। अल्फा परपेंडिकुलर टू एस इफ एंड ओनली इफ अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू एस ठीक है। ऑर्थोगोनल टू ए सेट की डेफिनेशन समझ में आ रही है? यस सर। ओके देन इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के साथ तो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी जीरो डिग्री के बराबर, अगर अल्फा परपेंडिकुलर बीटा के साथ है ऑब्वियसली
तो ऐसी कंडीशन में थीटा जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा अगर परपेंडिकुलर बीटा के साथ, तो बीटा भी अल्फा के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होना चाहिए, दिस इज अल्फा अल्फा, दिस इज अल्फा अल्फा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर अल्फा परपेंडिकुलर बीटा के साथ तो ए अल्फा भी परपेंडिकुलर होगा बीटा के साथ, देन अगर अल्फा अल्फा के साथ है तो अल्फा इक्वल टू जीरो, जैसे कि ऊपर दिख भी रहा है आपको। अगर एस परपेंडिकुलर है पी के साथ, अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के साथ, जहां पर अल्फा जो है एस के साथ है और बीटा टी के साथ हमारे साथ दिया हुआ है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनलिटी की सेट के लिए हमारे पास, है ना। अब बात करें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली? पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं हम? कर्ण करेक्ट, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है हमारे पास है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो वही हमारे पास है, यदि अल्फा और बीटा मेरे पास ऑर्थोगोनल है, यानी हमें यहाँ पर पाइथागोरम के लिए हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल होना जरूरी है। अगर अल्फा बीटा अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब कि वो दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी कंडीशन नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? नॉर्म अल्फा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालें तो क्या निकलेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा दोनों का अगर सिंप्लीफाई करें, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होगी अल्फा बीटा, ये भी जीरो होगी और ये भी हमारे पास जीरो, क्यों? क्योंकि तो अल्फा और बीटा मेरे पास क्या, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल होने के कारण हमारे पास क्या होगा, कि अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो जीरो प्लस बीटा बीटा, दिस इज अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, देन अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, देन नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा स्क्वायर, दैट मींस नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास आती है लॉ पैरेललोग्राम। लॉ पैरेललोग्राम क्या होता है कि इफ अल्फा और बीटा अगर मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं लीनियर स्पेस बी ऑफ एफ के, देन नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस टू नॉर्म बीटा स्क्वायर। बहुत आसान प्रूफ होगा। तो पहले नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, देन इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा 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 बीटा, बीटा अल्फा या बीटा बीटा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास जो सोल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास किसने निकाल दिया, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा अल्फा माइनस बीटा, देन माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो पहले को पहले के साथ देंगे तो अल्फा अल्फा, देन दूसरे को पहले को दूसरे के साथ देंगे तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, देन थर्ड के अंदर माइनस बीटा अल्फा, देन प्लस बीटा बीटा, ओके। दोनों को उठा के हम ऐड कर देते हैं, दोनों को उठा के ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू मेरे पास कैंसिलेशन की फॉर्म में आ जाएगी। कैंसिलेशन की फॉर्म में आएंगे तो टू अल्फा अल्फा और टू बीटा बीटा हमारे पास हो जाएगा। और टू अल्फा अल्फा का मतलब क्या होता है, नॉर्म अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा का मतलब क्या होता है, नॉर्म बीटा स्क्वायर। तो बस इसका इतना ही आसान प्रूफ था, इतना समझ में आ गया, यस ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास थ्योरम है, स्टेटमेंट ऊपर गलत लिखा गया, इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखाना चाहिए था ऊपर। तो पहले हमारे पास क्या कि एन इनर प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट ऑन ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ आर इज अ बाइलिनियर। अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर स्पेस का इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर डिफाइंड है तो वो बाइलिनियर फॉर्म ही होगी वो। नंबर टू, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्मल वेक्टर स्पेस। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम नॉर्मल वेक्टर स्पेस की लिखा जा सकता है। नंबर थ्री, इफ वी ऑफ एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन इट विल फॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर हमारे पास वी ऑफ एफ अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमेशा वो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। नंबर फोर्थ, अगर अल्फा बीटा मेरे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में डिफाइन करके दिए हुए, जहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों अगर ऑर्थोगोनल हैं, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्म अल्फा की जो वैल्यू होगी नॉर्म बीटा के बराबर होगी। नंबर फाइव, अगर बी ओ फाइव अगर एन एफ प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के यूज होनी है। अगर अल्फा बीटा अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसी कंडीशन में जो स्वार्ज इनइक्वलिटी की जो वैल्यू होती है वहां पर वो लेस देन इक्वल टू वहां पर हट जाता है और आपका आता है मॉड अल्फा बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा। कब?
जब अल्फा और बीटा परपेंडिकुलर हो तब। नंबर सिक्स, अगर मेरे पास एनर प्रोडक्ट स्पेस दिया तो नॉर्म अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अगर नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा दी हुई है तो ऐसी कंडीशन में अल्फा बीटा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे परंतु इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि अगर नॉर्म अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा है तो हम ये कंडीशन नहीं कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, सॉरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये छह थ्योरम है जो कि इनर प्रोडक्ट से रिलेटिव हमारी थ्योरम होती है जिनके हम यूज ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। राइट, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, तैयार है? क्वेश्चन आपके सामने है, इफ वी ऑफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन वी ऑफ एफ बाय पी ओ पी क्यू इक्वल टू अल्फा बीटा की, यहाँ पे पी क्यू दे दिया, इंटीग्रल जीरो टू वन पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, और पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वी के अंदर है जहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, तो बताओ कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी पी क्यू की वैल्यू, ये निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे पी क्यू की वैल्यू? अगर मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर दिस इज जीरो टू वन दिस इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकाल के बताइए कितना आ रहा है। आंसर बी डी माइनस थर्टी सेवन बाय फोर, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इफ वी ऑफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस, सेम क्वेश्चन है बस आपको यहाँ पे बोला गया कि नॉर्म पी की वैल्यू क्या होगी। 19 बाय 3 तो ये 19 बाय 3 जो बता रहे हैं वो इंटीग्रल x प्लस 2 का होल स्क्वायर का बता रहे हैं आंसर। यस सर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओनली नॉर्म पी की, तो आंसर क्या होगा? अंडर रूट 19 बाय 3, सॉरी ओके अंडर रूट 19, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको नॉर्म क्यू की वैल्यू निकालनी है। सर अंडर रूट 203 बाय 15, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सेवन, आपको निकालना है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या लिखूंगा मैं पी और क्यू के बीच का एंगल, पी कॉमा क्यू अपॉन नॉर्म पी अपॉन नॉर्म क्यू। अभी पी क्यू कितने के बीच, कितना निकाला था हमने, माइनस 37/4, नॉर्म पी क्यू कितने निकाले थे अभी हमने, अंडर रूट 19/3 और ये निकाले थे अंडर रूट 30/15। इनमें कोई आंसर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ ऐसा कोई आंसर कोई यहाँ दिखाई दे रहा है? No, यहाँ पर आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ओके, तो ये आपके सामने वो वैल्यू है जिस तरह से हम यहाँ पर एंगल निकालते हैं, तो एक्चुअल हमारा आंसर आना चाहिए इतना, और हमारा आंसर यहाँ पर एक भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस। राइट, इफ अल्फा और बीटा अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा अल्फा बीटा के बीच का। अगर अल्फा और बीटा मेरे पास अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अभी मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा कितने के बराबर बताया मैंने, अभी अगर मुझे अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस निकालना तो मैंने अभी कितने के बराबर बताया, दिस इज द नॉर्म अल्फा माइनस बीटा, सही है, और नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दिस इज द अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, सही है। और अभी हमने इस पूरे की वैल्यू निकाली हुई है, दिस इज द अंडर रूट नॉर्म अल्फा स्क्वायर, राइट, देन
अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, और चूंकि वो हमारे पास ऑर्थोगोनल दे रखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पास बन जाएंगे जीरो जीरो। और नेक्स्ट मेरे पास आएगा नॉर्म बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा दोनों मेरे पास अगर यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट टू। ओके, इस तरीके से हम ये अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन है अपना, आंसर है बी। लास्ट, इफ अल्फा इक्वल टू 10 बीटा इक्वल टू माइनस 10 हो तो बताओ नॉर्म अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की वैल्यू माइनस 10 है तो नॉर्म अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। 10 सेकंड का सॉल्यूशन है इसका बस। सर टू। क्यों, टू क्यों होगी सर? जीरो। जीरो क्यों होगी सर? वन माइनस वन है, पहला वाला कोऑर्डिनेट ऐड होगा तो जीरो बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को सीधे सीधे हम ऐड करेंगे तो वन माइनस वन देन जीरो प्लस जीरो, यानी कि जीरो जीरो। और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर जीरो तो उसकी नॉर्म की वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, तो ये थे आपके आपके क्वेश्चन आज के, जो हमने आपको बताया कि एनए प्रोडक्ट स्पेस और वेक्टर स्पेस को किस प्रकार से हम डिफाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे किस प्रकार से हम आपके जो स्वार अपने पास एक होती है थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर बेस्ड ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन थ्योरम, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में जरूर आता है, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।